अरे एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, गेम खेल रहा था। आप भी मेरे ख्याल से मोबाइल पे गेम तो ज़रूर खेलते होंगे। अब दुनिया भर की इतनी इतनी कंपनीज आ गई है ना कि मतलब पबजी और ये और वो, लेकिन आज का एपिसोड मैं लेके आया हूँ स्पेशल जो इंडियन गेम्स हैं, मतलब हम भारतीय मतलब अपने इंडिया के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना ऐसे ऐसे गेम्स। और यकीन करना दोस्तों, इंडिया के अंदर भी एक से एक गेम्स बनती हैं। थोड़ा सा हमें बढ़ावा देना चाहिए हमारे जो डेवलपर्स हैं उनको, और जो गेम डिज़ाइन करते हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये स्पेशली जो मैंने एपिसोड बनाया है इसलिए बनाया कि इंडियन गेम्स जो हैं और जो हम बचपन से खेलते हैं वैसे गेम्स इसके अंदर है। तो बिना वक्त गवाए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो गेम मैं लेके आया हूँ वो है भाई द गैंगस्टर। अगर आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई, ये गेम ज़रूर खेलना। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि एक बंदा होता है उसकी गर्लफ्रेंड को जो है मार देता है कोई, मार के मतलब विलन मार देता है। तो वो उसको, उस विलन को पकड़ने के लिए वो अपना एक पूरा मिशन चालू करता है, समझ लो इंडियन GTA है। मैं आपको खेल के ही दिखाता हूँ। हैं भाई द गैंगस्टर, हो सकता है आपको, ओ माय गॉड, वो बुलेट से तो तुम बच गए, बेचारे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरना पड़ा, लेकिन अच्छा। अब की बार नहीं बचोगे तुम, हर बार निशाना नहीं चूकता मेरा। बाप रे ओ सबसे पीछा छुड़ा सकता है लेकिन अपनी परछाई से नहीं। मैं गैंगस्टर की लाइफ से बहुत दूर निकल गया था, पर मुझे इस मौत का बदला तुझसे लेना पड़ेगा। जो भी तू है, जहां भी तू है, अपने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। भाई द गैंगस्टर। सो भाई गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कोई चलते हैं। और आई बिलीव, अच्छा इधर चल भाई अंदर ए के। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये देखो पक्का इंडियन स्टाइल क्या बात है। सो अभी हम चलते हैं, ये देखो सामने, और यहाँ पर नहीं दिख रहा। और अब तुम देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, मार डाला, ये लो सड़क गंदी करो, चलो भागो, उछलो दौड़ो। अरे एक और मैडम खड़ी है तुम्हारी, तो इतनी जल्दी में क्या हो? बहुत जल्दी है, हमें प्रेशर आया है इसलिए बहुत जल्दी है हमें। अरे वो नीली शर्ट वाला, अरे गधे की पूछ, ये ले। डिश्यों, 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 डिश्यों। तो मर गया। मर गया। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे, अरे भाई देख कर चल। अरे देख के चलता हूँ, थ्री व्हीलर पकड़ना था मुझे। मैं तो मर गई। मीटर से चलेगा नहीं वो, अब पकड़ना पड़ेगा मुझे भाग के। अरे रुक जा भैया, अरे रुक जा, पैर थक गए मेरे। अरे और कितना चलवाएगा रे, आ जा। ऊपर से पान की पिचकारी मेरी भरे जा रही है, भरे जा रही है। तेरी थ्री व्हीलर पे बना दूंगा होली में, ये ले। थक गया, अरे मेरे रुकते खुद रुक गया, मुझे घुमा रहा है, मुझे वापस जाना था रे इसके चक्कर में। रुक बे, तुझे लूटता हूँ मैं अभी। अरे चल बाहर निकल, ये आओ मेरे सामने अब कोई। हाँ भाई थ्री व्हीलर तो ही था ना, चल भाग यहाँ से। कहाँ गया वो? अरे अरे चलना भैया, मीटर से चलूँगा यार, अरे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे आ, ले। अरे लड़के चला रही थी। यस ये, अरे चलेंगे चलेंगे हम भी मीटर से चलेंगे ना भैया, मुझे तो वापस जाना था। मोड़ो, अरे अबे चढ़ा दिया तुमने, मिशन फेल्ड। ओह नो, अरे इतना दम था क्या पीक के अंदर? सो दोस्तों है ना बिल्कुल इंडियन दमदार गेम, मतलब कि ऑटो चलाओ मजे करो। और
मतलब बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और जब आपको हांगकांग का पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए देने होते हैं, मतलब उस पंटर को जो बीच में होता है, तो उसके बाद तो और नेक्स्ट लेवल पे गेम पहुंच जाती है। हालांकि मैं अभी तक 10 लाख रुपए मैंने इकट्ठे तो कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी हांगकांग नहीं गया हूँ। हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाऊँ तो हांगकांग की मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊँ, या फिर अगर आपने हांगकांग वाला पार कर लिया तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि क्या होता है उसके बाद। और हम मूव ऑन करते हैं सेकंड गेम की तरफ। दूसरी जो गेम है वो है लूडो किंग। देखो लूडो के नाम से ना बहुत सारे गेम्स आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये लूडो किंग जो है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक बार जो खेलना स्टार्ट किया ना, मतलब जहां आपको फ्री टाइम मिलेगा मैं गारंटी श्योर आपको बताता हूं आप ये गेम खेलने वाले हो। इस गेम के अंदर मतलब आप इंडिविजुअली तो खेल ही सकते हो, कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो, ऑनलाइन गेम बना सकते हो, साथ में आप जो कई सारे कॉइन्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं आप लगा के और बहुत अच्छी तरीके से उसको, मेरे तो कई लाख कॉइन हो चुके हैं, आपके कितने हो चुके हैं अगर आप खेल रहे तो नीचे ज़रूर बताइएगा। और साथ में अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी बहुत ही अच्छी गेम है, उसको आप खेल सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। लूडो किंग को मैं पिछले काफ़ी टाइम से गेम खेल रहा हूँ और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी इसको इन्जॉय करेंगे। 4.4 की इसकी रेटिंग है और 2.2 मिलियन से भी ज़्यादा इसको रिव्यूज़ मिल चुके हैं। और ये मतलब अगर बात करें तो 100+ मिलियन, मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेम है और अब तो इसके अंदर मल्टीपल प्लेयर का ऑप्शन भी आ चुका है, तो एक बार इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी इंडियन गेम है। और जिस जिसने खेला है वो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताएगा कि आपको ये गेम कैसी लगी। अब बात करते हैं हम तीसरी गेम के बारे में। और इंडिया में तो दो ही चीज़ें फेमस है दोस्तों, एक बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। सो तीसरी गेम जो है वो क्रिकेट की है और ये सचिन सागा ये गेम है। और क्या कमाल की ये गेम, मतलब अगर आपको क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये गेम आप ज़रूर खेलिएगा। कुछ कुछ जो एशेज जो है उस टाइप की ये गेम है और इंडियन वर्जन है, और क्वालिटी और ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो खेलते टाइम बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि भाई लो लेवल के ग्राफिक्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और क्रिकेट का अगर आपको शौक है तो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे और उस टारगेट को अचीव करना होगा, टॉस से लेके बिल्कुल एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस करके देते हैं कि अगर आपकी बड़ी स्क्रीन का थोड़ा फ़ोन है तो डेफिनेटली आप इस गेम को पूरा पूरा इन्जॉय करने वाले हैं। और सचिन मेरा वैसे ही फेवरेट है यार, मतलब विराट भी मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट कौन है ज़रूर मुझे नीचे बताइएगा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा tech_vani। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ। चौथे अगर गेम की बात करते हैं तो वो है छोटा भीम। दोस्तों छोटा भीम के आपको काफ़ी सारी गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे आप छोटा भीम लिखते हैं तो। अब ये नॉर्मली अगर आपकी एज जो है वो 12 इयर्स से कम है, तो मैं ज़्यादातर ये गेम उसी उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनकी एज 12 से कम है, तो ये डाउनलोड कीजिएगा छोटा भीम का। आपको ख्याल रखना है, एक रनिंग रेस भी होगी इसके अंदर, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं कि छोटा भीम एक तरह से आपके फ्रेंड की तरह रहेगा। और ये इसके अंदर टॉकिंग टॉम का भी मिक्सचर है, मतलब काफ़ी सारी गेमों को आपस में मिला दिया है। तो अगर आप काफ़ी सारी गेम्स का एक ही गेम में मजा लेना चाहते हैं, या फिर आपको किसी छोटे बच्चे को गेम डाल के देनी है कि वो एक ही गेम के अंदर बहुत सारी गेम्स का मजा ले सके, तो ये गेम आप उसको डाल के दे सकते हैं, डेफिनेटली वो बहुत इन्जॉय करेगा और बिल्कुल हेल्दी गेम है। बात करते हैं चौथी गेम के बारे में जो कि बॉलीवुड पे डिपेंड है। मैंने खेली, मुझे काफ़ी मज़ा आया, हालांकि आप लोग खेलते होंगे टेंपल रन या सबवे सर्फर, मैंने वैसी एक गेम इंडिया की वर्जन है चेन्नई एक्सप्रेस। इसमें राहुल और मिनम्मा, मतलब आप पहचान गए होंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, दोनों के कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनको भगाना होता है, पतंग उड़ा के भी वो पतंग पकड़ के भी उड़ते हैं और बाइक वाइक पे भी चलते हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्साइटिंग इसके अंदर फीचर्स हैं। और ये गेम काफ़ी अच्छा मतलब इसने पिकअप करा, 4.4 की इसकी भी रेटिंग्स है। आप इस गेम को खेल सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं बॉलीवुड स्टाइल के अंदर वीडियो गेम खेलने का। सो दोस्तों ये थी वो गेम, वो टॉप 5 गेम्स जो मुझे अच्छी लगी। आपकी अगर नज़र में कुछ और गेम्स हैं जो इंडियन गेम्स हैं तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना ये हमारा फ़र्ज़ है दोस्तों, चाहे वो मोबाइल में हो। हालांकि मैं मानता हूँ कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट करना बनता है, जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना ही तो वो आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से, थोड़ा जितना मेरे से हो सकता है। एंड वंदे मातरम, मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।